नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 और 10 मार्च की आपकी राशि के महाराशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आए दोस्तों, जिनके साथ बात करते हैं यशमी ग्रहों की तिथि कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आखिर आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो निवेदन है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि दोस्तों हमारी ऐसी अधिक जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, पहले जान लेते हैं इन दो दिनों की ग्रह नक्षत्रों की तिथि और शुभ योगों के बारे में। दोस्तों, 9 मार्च की बात करें तो दोस्तों दिन मंगलवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी और उत्तराषाढ़ा नाम का दिन नक्षत्र रहेगा। योग की बात करें तो दोस्तों, इस दिन वरियान नाम के योग के बाद जो है परिग नाम का योग प्रारंभ होगा और इस दिन राहुकाल का समय रहेगा शाम के 3:33 से लेकर शाम के 5:01 तक। दोस्तों, ध्यान रहे ये राहुकाल के समय में आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्यों को ना करें। और दोस्तों, चंद्रमा इस दिन मकर राशि पर संचार करेगा। और दोस्तों, 10 मार्च की बात करें तो दोस्तों इस दिन बुधवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी और इस दिन श्रवण नाम का नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, इस दिन आपको बता दें कि जो है शिव नाम का योग रहेगा जो कि आपकी राशि के लिए और आपके प्रत्येक क्षेत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, बशर्ते आपको एक दो ऐसे कार्य होंगे जिन्हें लेकर सावधान रहने होंगे। और इस दिन राहुकाल का समय रहेगा दोपहर के 12:37 से लेकर दोपहर के 2:05 तक और इस दिन चंद्रमा मकर राशि पर ही संचार करेंगे। तो आए दोस्तों, अब बात करते हैं इन दोनों की, ये जो ग्रह नक्षत्रों की तिथि है, तिथि और शुभ योग को मिलाकर आपकी राशि पर इनका क्या प्रभाव होता है, चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यह समय माता पिता भाई बंधु सबके साथ विचारधारा एक दूसरे के अच्छे हो सकती है तथा किसी भी काम काज में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होने से घर में खुशी का माहौल हो सकता है। वैवाहिक मांगलिक कार्य यह समय होने की संभावना पाई जाती है। वह दोस्तों, नेगेटिव की अगर बात करें तो कड़ी मेहनत करने वालों को उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी, लेकिन दोस्तों अध्ययन में लापरवाही करने से आपको रुकावट का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, वर्तमान की बहुत ही अच्छी लगने वाली बातें आने वाले काल में बहुत कड़वे यानी दुख का कारण बन सकती है। दोस्तों, आप अपने वाणी पर यश में संयम रखें, आर्थिक मामलों में जोखिम ना उठाएँ। दोस्तों, यह समय आपका दिन आपके लिए दो तरह की चुनौतियों से भरा हो सकता है। दोस्तों, यह समय बिजनेस के मामलों में आपको दूसरों से बेहतर साबित होने का दबाव भी रह सकता है। वहीं दोस्तों, कुछ अच्छी सूचनाएं भी आपके निजी जीवन में खुशी ला सकता है। दोस्तों, आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, जो काम कुछ समय से करना आप चाह रहे थे वह करने में आप यह समय सफलता प्राप्त करेंगे। अपनी मेहनत में कोई कमी होने न दें। दोस्तों, परिवार में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है तो अपना मत अवश्य रखें, जो सच है उसका साथ दें। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों आपको यश में कुछ प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। इसमें आपको क्षमता से अधिक मेहनत भी करनी होगी। कहीं से अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यश में आप कोई बैंक बैलेंस ना बना पाएँ। इसके पीछे के कारण यह हो सकता है कि आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं या दोस्तों कहीं भी आप जो अपना जो है पूंजी को निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो आपके अंतरंग संबंधों में वृद्धि रहेगी, लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, यदि आपका जो प्रियतम है किसी बात में आप पर जो विरोध भी आपका कर सकता है, यश में उनकी बातों को आप महत्व दें, तभी इस रिश्ते में जो है बराबरी का दर्जा एक दूसरे को आप दे पाएंगे। और दोस्तों, आपका रिश्ता भी यह समय अच्छा ही चलेगा। दोस्तों, यह समय अविवाहितों के लिए दिन फलदायक रहेगा। ये समय कोई अच्छा रिश्ता भी आपको मिल सकते हैं, इसका आसार है। अपने प्रयास आप करते रहें। वह दोस्तों, यह समय अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें यानी सेहत को लेकर, तो दोस्तों यह समय खान पान का विशेष ध्यान रखें। फूड पॉइजनिंग जैसी कोई समस्या भी आपको यह समय हो सकता है,
दोस्तों ऐसे में आप नियमित रूप से व्यायाम करें, आप खुद को चुस्त दुरुस्त बनाए रख सकते हैं ऐसे में, और साथ ही साथ खान पान पर भी आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा हरा और भाग्यशाली अंक रहेगा 6। दोस्तों यश में गणेश जी बताते हैं कि आपको अधिक व्यवहारिक बनने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप भावनात्मकशील होने के कारण हर एक बात दिल से विचार करते हैं। छोटी छोटी कठिनाइयों में भी आप मानसिक तनाव अनुभव करते हैं, इसलिए दोस्तों यश में आप व्यवहारिक बनना आपके लिए आवश्यक होगा। कभी कभी दिल की अपेक्षा आप दिमाग का भी उपयोग करें, यह आपके लिए बुद्धिमानी का कारक होगा। वही दोस्तों यश समय अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी पैसों की स्थिति को लेकर बात करें, तो दोस्तों आप बिना किसी प्रयास के अधिकतम परिणाम लाना चाहेंगे। दोस्तों यश में भाग्य पर निर्भर रहेंगे। दोस्तों यश में आप धन की आमदनी तो करेंगे, लेकिन वो स्मार्ट तरीके से आप करना चाहेंगे, लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य से आपका भाग्य जो है आपका समर्थन नहीं करेगा, जबकि आप किसी भी कीमत पर परिणाम प्राप्त करना चाहेंगे। वही दोस्तों यश में अगर आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें, तो दिल के मामले में त्याग करने का रवैया निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा। दोस्तों यश में दिन अच्छी और बुरी दोनों तरह के हालात होंगे, आप रिश्तों में स्वामित्व होंगे, और दोस्तों गणेश जी ऐसा कहते हैं कि आपको अपने पीर के प्रति सहानुभूति रखने की भी यश में आवश्यकता होगी। वही दोस्तों यश में अगर आपकी आर्थिक स्थिति यानी अर्थव्यवस्था की बात करें, तो दोस्तों गणेश जी यश में भविष्यवाणी करते हैं कि आप यश में अच्छा पैसा कमाने वाले हैं, कई स्रोतों के जरिए अतिरिक्त पैसा कमाने में भी सक्षम होंगे। दोस्तों यश में अपने काम को लेकर बहुत ही लोगों के पास चर्चा भी कर सकते हैं। दोस्तों यश में काम के मोर्चे आपका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि अधूरे काम को पूरा करने की जरूरत है, अतः अपना ध्यान लक्ष्यों पर रखने की कोशिश करें। गणेश जी कहते हैं कि शारीरिक गतिविधियों में शामिल के लिए यश में अच्छा दिन होगा, क्योंकि यह आपको पूरा तरह से फिट रखेगा। दोस्तों यश में आप अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करें और वे काम करें जिन्हें आप वाकई पसंद करते हैं। रियल इस्टेट संबंधी निवेश आपको अच्छा खासा मुनाफा यश में दे सकता है। दोस्तों आपके आकर्षक और व्यक्तित्व के जरिए आप जो है कुछ नए दोस्त यश में बना सकते हैं, या फिर आपके कुछ नए दोस्त जो मिल सकते हैं। दोस्तों यश में लव मेट आपसे किसी चीज़ की डिमांड भी कर सकता है, लेकिन आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका लव मेट आपसे नाराज भी हो सकता है। दोस्तों सहकर्मियों और वरिष्ठों से मिला सहयोग आपके उत्साह में इजाफा करेगा। दोस्तों अपने काम से आराम लेकर यश में कुछ समय के लिए अपने जीवन साथी को समय दें, उसके साथ समय व्यतीत करें। जीवन साथी से आपको अपने दिल की सारी बातें करने का पूरा भरपूर समय मिलेगा। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त हुआ 14 अनमोल रत्नों में से एक है। माता लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने के कारण इसे लक्ष्मी भ्राता भी कहा जाता है। यही कारण है कि जिस घर में शंख होता है वहां लक्ष्मी वहां का वास अवश्य होता है। इसलिए दोस्तों आप यश में से घर में एक शंख जरूर रखें। इसके उपरांत दोस्तों पति पत्नी कोई भी रात्रि में सोने से पहले घर में ईश्वर का स्मरण करते हुए दो फूलों वाली लौंग देशी कपूर के साथ जला लें, माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहेगी। दोस्तों यश में इन उपायों को आप जरूर करें, ये सभी चीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों और ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। धन्यवाद।